ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में आबादी की भूमि पर मकान बनाकर निवास करने वाले परिवारों के भविष्य को लेकर भारत सरकार द्वारा एक योजना को संचालित किया गया है, जिसमें ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है जो परिवार आबादी की भूमि पर मकान बनाकर रह रहे थे और उनके पास उस जगह का कोई प्रमाण भी नहीं था। अब ऐसे परिवारों को सरकार स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपने जा रही है। विदित हो, 15 अगस्त यौम आजादी के दिवस मंच के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने संबोधन में एक ऐलान किया गया था और वो ऐलान ये था कि दादा इलाही उन संपत्तियों व राज्य सरकार की उस संपत्ति पर जिस पर उसका अधिकार नहीं था उस पर भवन बनाकर रह रहे थे और अतिक्रमण के नाम पर उनकी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया जाता था। अब उन परिवारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन परिवारों को सरकार स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपने जा रही है। सरकार लाभार्थियों को जो प्रमाण पत्र सौंपने जा रही है उस स्वामित्व प्रमाण पत्र को सरकार द्वारा घरौनी योजना का नाम दिया गया है। इस प्रमाण पत्र के बलबूते उस संपत्ति की वैल्यू भी उस परिवार को सरकार देने का काम कर रही है, जिसके चलते वह परिवार अब उस संपत्ति का स्वामी कहलाएगा और उस संपत्ति की वैल्यू के अनुसार सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेगा। मुरादाबाद की सदर तहसील की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद की सदर तहसील द्वारा अपने इस लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने की बात कही जा रही है। उप जिला अधिकारी सदर प्रेरणा सिंह IAS द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद की सदर तहसील में कुल 365 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिसमें नगर निगम के गैर आबाद 94 और चकबंदी के 24 गांवों को अभी बाहर रखा गया है। सदर तहसील द्वारा 238 ग्राम पंचायतों का सर्वे किया जाना है, जिसमें 111 ग्रामों में कर लिए जाने के पश्चात लाभ लेने वाले परिवार की फीडिंग कर ली गई है, जिसमें 73 ग्रामों का सर्वे पूर्ण हो चुका है। तहसील की टीम द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इन दिनों 25 ग्रामों में सर्वे का कार्य जारी है, सिर्फ 29 गांवों का सर्वे होना शेष है जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सदर तहसील में मौजूद रही उप जिलाधिकारी सदर प्रेरणा सिंह IAS द्वारा बताया गया, ड्रोन कैमरे के द्वारा गांव-गांव जाकर सदर तहसील की टीम द्वारा सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। जो काम शेष रह गया है वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। स्वामित्व योजना एक बहुत ही अनोखी पहल की गई है भारतीय सरकार द्वारा और इस योजना के तहत जितने भी आबादी वाला लैंड है, जो श्रेणी 6-2 की भूमि रहती है, उसमें जितने भी मकान बने हैं और आबादी है, उन सभी का एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे के बाद घरौनी की तैयारी की जा रही है। तो नक्शा भी बन रहा है और घरौनी भी बन रही है। तो ये जितने भी लोग थे जिनके पास कोई कागज़ या अभिलेख नहीं होते थे अपनी भूमि के, अब उनको भौमिक अधिकार प्राप्त होगा, जिसमें रकबे से लेकर किसका अधिकार है सारी सूचनाएं उनको एक ही जगह पर एक घरौनी के रूप में मिल जाएंगी। मुरादाबाद सदर तहसील द्वारा कितने लोगों को ऐसे लाभान्वित किया जाएगा मैम? मुरादाबाद सदर तहसील में करीब 238 गाँव हैं जहाँ पर घरौनी का कार्य चल रहा है और 102 गांव में अभी तक ड्रोन उड़ चुका है और उनके मैप पड़ताल की कार्रवाई जारी है। तो बहुत ही जल्द इन 100 गांव में जब नक्शे का कार्य ख़त्म हो जाएगा तो घरौनी बन जाएगी और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। जो लोग अभी लाभ से वंचित हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे मैम? क्योंकि सभी गाँव में शत प्रतिशत जितने भी आबाद गाँव हैं सभी में सर्वे किया जा रहा है और सदर की बात करें तो यहाँ पर शत प्रतिशत सर्वे कर लिया गया है, लेकिन जो ड्रोन सर्वे है वो अभी 102 गांव में हुआ है और कार्यवाही जारी है। तो संभवतः इस साल के अंत तक सभी गांवों में ड्रोन उड़ चुका होगा, नक्शा तैयार हो चुका होगा और घरौनी की कार्यवाही नए साल में नए साल के एक उपहार की तरह सभी लोगों को वितरित की जाएगी। सरकार की इस योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना धरातल पर जनमानस के लिए सबसे लाभदायक योजना मानी जा रही है। सदर ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के हितों को लेकर काम कर रहे हैं और इस योजना से ऐसी आबादी लाभान्वित होने जा रही है जो अपने आप को बहुत कमजोर समझती थी। अब उन परिवारों को भी सम्मान से जीने का मौका मिलने जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि बरसों से चले आ रही जो लावारिस संपत्ति होती थी, जिसे लावारिस बोला जाता था, जो दादालाई संपत्ति जिसे बोलते थे, उस पर अगर ग्रामीण कहीं बैंक गारंटी में या कहीं लोन लेने में कहीं भी कोई काम करते थे तो उसमें वो मान्य नहीं होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को घरौनी योजना का, स्वामित्व योजना का प्रचलन करके, चालू करके एक ग्रामीण व्यक्ति को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक दिया है, जिससे कल को वो बैंक गारंटी बनाने में, बैंक से अपने मकान बनाने के लिए कर्जा लेने में, संपत्ति लेने में, बेचने में, खरीदने में उसकी एक वैल्यू हुई है। वरना बिना कागज की संपत्ति को आवारा लावारिस संपत्ति माना जाता था,
जैसे मान लीजिए बाप वहीं रहे, बच्चे बाहर चले गए, जमीन पड़ी है, लोगों ने कब्जा कर ली, तो अतिक्रमण हो गया, उस पर बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिला है। और स्वामित्व योजना से जो भूमि सुरक्षित हुई है, जो दादालाई संपत्ति होती थी वो सुरक्षित हुई है, ये एक बहुत बड़ी ग्रामीण जनता के लिए एक बहुत बड़ी जीत का है, बहुत बड़ा लाभ का एक कारण है। जो लाभार्थी इस चीज से रह गए हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जो लाभार्थी इसमें रह गए हैं वो अपने अपने जो है ग्राम प्रधान से मिलके, पटवारी से मिलके, तहसील जाके इसका लाभ उठाएं और इससे जुड़े। मुरादाबाद के ब्लॉक प्रमुख हैं आप, तो आप इसके लिए क्या क्या किन किन जैसे गाँव में जाते हैं तो क्या क्या आपके द्वारा क्या कहा जाता है? नहीं, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ इस योजना का लाभ लो, अपनी संपत्ति के मालिक बनो, अपनी संपत्ति को सुरक्षित करो, अपनी संपत्ति को चिन्हित करो, जिससे कल को अगर आपको मकान बनाना है, बैंक से कर्जा लेने में, लोन लेने में, हर चीज़ में, बिजनेस करने में, कल को बेचनी है, उसके लिए पेपर्स की ज़रूरत होती है। मोदी जी ने सबको अपनी अपनी संपत्ति का स्वामी बना दिया, वरना ऐसी संपत्तियों के कागज़ नहीं होते थे, विवाद हो जाते थे कि ये हमारी वो हमारी है, कब्जा कर लेते थे लोग, उससे मुक्त हुई है।